क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा घड़ा नहीं उठवा सकती क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो घड़ा है वो मेहतर का है और मेरे हाथ में जो घड़ा है वो ब्राह्मण का है। लेकिन इतना जरूर है, एक अकल बता सकती हूँ कि गहरे में घुस जाओ तो घड़ा उठ जाएगा, तनिक सहारो पानी को लग जाएगा। आप गहरे जल में घुस जाओ तो घड़ा उठ जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, तारा घड़ा उठे या ना उठे, लेकिन तुमने तो मना कर दिया। गहरे जल में घुस करके राजा ने घड़ा को उठा लिया और उठा करके माताओं सर पे तो रख दिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत ना हती कि वे कालू के घर तक पहुंचे। चलते चलते आगे बढ़े और कालू के गेट में घुस ना पाए, गेट से ही बाहर ऐसा झटका लगा कि राजा कहीं और घड़ा कहीं, घड़ा फूट गया। कालू मेहतर निकल के आ गया, ओरे हरिश्चंद्र तू रोज रोज घड़ा फोड़ेगा तो भाई हम नए घड़ा कहां से लाएंगे, हमें तो तेरे ऊपर तरस आता है, तू भोजन नहीं करता, क्या बात है, जब से तू आया है और जब आया था तब हट्टा कट्टा था और अब देख रहा हूं कि तेरे शरीर पे हड्डियां। दुकानदार से कहा, भाई दुकानदार तुमने क्या माल देने में कोई कमी रखी? बोले नहीं महाराज, 36 दिन हो गए और ये केवल 2 दिन तक हमारे पास आया है और बाकी तो ये आपकी निराहार सेवा कर रहा है। कालू महतर बोले, हरिश्चंद्र अगर तुम मेरे यहां भूखे काम करते हो तो आज के बाद घड़ा नहीं भरोगे, तेरी ड्यूटी चेंज करता हूं। काला कमर दे दिया, काला कुर्ता दे दिया, लाठी दे दी और कहा कि आज के बाद तुम्हारी ड्यूटी मरघट में है, मरघट में रहोगे। और ये मेरा आदेश है कि जो लहासे आए वो तुम कर का टका लेकर के ही जलाना। सो हरिश्चंद मरघटिया बन गए, मरघटिया मरघट में लहासे जलाते हैं और कर का टका लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन माताओं, उधर मैया जो तारा था वो चाकी चलाती है, भोजन बनाती है, घर की साफ सफाई करती है और बेटा, वो बेटा पूजा के लिए फूल तोड़ के लाता। तो एक दिन ब्राह्मणी के यहाँ एकादशी का व्रत था और एकादशी का जब व्रत आता है तो ब्राह्मणी कहती है कि रानी तारा से, एक रानी अपने बेटा से कहो वो बगिया में जाए और पूजा के लिए फूल तोड़ के ले गया। ओमी सिंह उर्फ लल्लन पहलवान 79 से 101 रुपए दूसरी बार भिजवा रहे, थोड़ा इंतजार करें सुनाएंगे। और 101 रुपए राम निवास यादव पुत्र श्री राम सेवक यादव, इसी गांव 79 के रहने वाले हैं। 100 रुपए रिंकू यादव ग्राम गणेशपुर से आए हैं, ये भी अपने कर कमलों के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। 101 रुपए दादाजी राम खिलाड़ी यादव जी, इसी गांव 79 से, इन भक्तजनों की तरफ से मुझे सम्मानित किया गया है। इनके हाथ हमेशा धर्म की तरफ बढ़े। माताओं, अब तो बेटा रोहिता से रानी तारा ने कहा कि बेटा आज पूजा के लिए तुम फूल तोड़ के लेने जाओ और बोली है
प्रिया दई मैया ने कहा के बेटा पूजा के लिए फूल तोड़ के ला। सोई रोहितास बेटा चल दो। और माता बहनों भाइयों, इधर विश्वामित्र को मालूम पड़ गया कि 11 वर्ष का रोहितास जा रहा है। सो कमंडल में जल लिया और अंजलि में जल लेकर के मंत्र पढ़ करके जमीन पे पटक दिया और कहा कि नाग देवता तैयार हो जा और बाग में जा। बाग में एक बालक आ रहा है फूल तोड़ने, और वह बच्चा को डस लियो और वो बच्चा जिंदा लौट के नहीं आ पाया। सो बेटा बाग में पहुंचा, फूल तोड़ता जाता है, छपरिया में रखता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, लेकिन क्या पता था बेटा को कि आज मेरा काल आ गया। और भक्तों, उसी समय रोहितास ने एक रोस पे हाथ डालो, सोई भक्तों उंगली में बा नाग ने रोहितास को डस लिया और डसते ही डसते मुंह से झाग छूटने लगा। अब तो रोहितास चिल्लाने लगा, मां मैया मुझे बचाओ, मैया मुझे बचाओ। और मैया मैया कह के बेटा ने उसी बगिया में अपने प्राण छोड़ दिए। लेकिन मैया को ना पता कि मेरा बेटा लौट के आना होगा। और जब प्राण छोड़ दिए तो विश्वामित्र ने जाकर के आवाज लगा दी काशी में, अरे खायो बेटा का रे ने काऊ करे, खायो बेटा का रे काऊ करे जेर रहो तन हो जाए, खायो बेटा का रे काऊ करे, खायो बेटा का रे का। मैया को सुंदर बेटा है, कारे नाग ने काट लो, वो मैया जाए के बगिया में देख ले पुत्र को, अरे रहो चेहर तन जाए धरन पे लोटत डोले, और बहुत कदई आवाज कुमर यारे मुखते नाए बोले, बगिया में लाश धरिए बिखर गए सब फूल छपरिया खाली हो पड़ी, खायो बेटा कारे ने काऊ करे, खायो बेटा कारे ने काऊ करे रो। काऊ मैया को सुंदर बेटा था, वो फूल तोड़ने आया था, बा नाग ने डस लो, वो माँ अपने पुत्र को जाकर के देखे। सो माता और काऊ को बेटा नाएगा तो तारा का ही पुत्र गया था। जब तारा ने सुनी कि मेरे पुत्र को नाग ने डस लो, सो आंखों से आंसू बहने लगे और ब्राह्मणी से रो करके बोली, माँ मैंने ये सुना है कि मेरा पुत्र बगिया में गया है और मेरे पुत्र को नाग ने डस लो, मैं अपने बेटा को देख आऊ। कहने लगी, तू अच्छी आई बच्चे वाली, और किसी के बच्चे नहीं है, अरे घर की सफाई कर, उसके बाद भोजन बना और ठाकुर जी को भोग होगा। माताओं, जब मैया के पुत्र की लाश पड़ी हो तो क्या माँ को भोजन अच्छा लगेगा? भोजन बना रही जरूर है लेकिन रोती जा रही है और आंखों से आंसू टपक रहे हैं। सोई ब्राह्मणी से बोली, माँ अब तो अपने बेटा को देख रहा हूँ, मैंने भोजन भी बना लिया। बोली, जल्दी जा, हमने तो एक खरीदो है। सो देखो पुत्र की ममता कैसी होती है माँ के लिए। मैया नंगे पैर डाहिन की तरह भागी है और तारा डाहिन की तरह भाग करके बाग में पहुंची और आवाज लगा रही है, मेरे बेटा रोहितास कहो मेरे कुमार। उस चारों तरफ बगिया में घूम रही है तो पुत्र की लाश पड़ी थी एक रोस पर, और जैसे ही तारा ने पुत्र की लाश देखी
तो एक माँ को ऐसा लगा कि आज मेरा सब कुछ टूट गया। सो पुत्र की लाश पे पछाड़ खा के गिर गई और भक्तों पछाड़ खा के तारा रोने लगी, मेरे लाला मेरे पुत्र रोहितास एक बार मैया को बोल सुना दे। अब परदेशों में बेटा मेरा कोई नहीं है, तेरे पिता भी नहीं है, तेरी लाश को कौन ले जाए। और भक्तों साड़ी फार के अपने बेटा को कफन उड़ाए लो और कफन उठा करके तारा रोने लगी है।